हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने अपनी इस वीडियो में प्रश्नावली वन को सॉल्व किया है। फिफ्थ क्लास की प्रश्नावली वन को सॉल्व किया है मैथ के। तो वीडियो लंबी ना हो जाए फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसके सॉल्वेशन भी साथ में रखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स ने नीचे जो दे रखी हैं संख्याएं, यानी ये नंबर जो दे रखे हैं, इन्हें हमें शब्दों में लिखने होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हमें डायरेक्टली पढ़ना नहीं आता तो मैंने आपको बताया था कि आप इकाई ढाई सैकड़ा वाला रूल जो है वो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम पहले में करके देखते हैं, बाकी डायरेक्ट पढ़ लेंगे। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, तो फ्रेंड्स ये 24,556 कितना, 24,556 ऐसे ही हो जाएगा 40,009, और ये 99,999, ये 80,511, ये 67,725। तो फ्रेंड्स अब इनको हम शब्दों में कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो पहला है 24,556, तो इसका हम शब्दों में ऐसे लिखेंगे 24,056। तो फ्रेंड्स इसको लिखेंगे 24,056। ऐसे ये है 40,009, तो फ्रेंड्स 40,009 इसको शब्दों में ऐसे लिखेंगे। ये है 99,999, तो 99,999, ये 80,511, तो 80,511, ये हो जाएगा आपका 67,725, तो 67,725। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन हमारा पूछे नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए, तो फ्रेंड्स अगर हम ये शब्द हमारे पास दे रखे होंगे, आप इनको शब्दों में संख्याएं दे रखी होंगी, तो आप उनको अंकों में लिखेंगे, यानी इस तरीके से लिखेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो मतलब संख्याएं हमारे पास जो हैं उनको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, ऐसी ये संख्याएं इनको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो इसके चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये संख्याएँ हैं 12,332, तो इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है, यानी बड़ा करके लिखना है, सबके अलग अलग लिखना है सबको। तो सबको अलग अलग लिखेंगे तो 12,000, तो यानी एक यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये देख लीजिए इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे पूरे 4 जीरो लगा देंगे। अब फिर देखेंगे फ्रेंड्स इसके पीछे कितनी संख्याएं हैं, 2 उतारेंगे, 2 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 3 उतारेंगे, अब 3 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 7 उतारेंगे, तो 7 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या है, 7 के पीछे 1 संख्या है, तो उसको उसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे। अब बाकी 2 उतारेंगे, 2 के पीछे कोई संख्या नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हम इसका आंसर। ये देखिए दे रखा है 12,000, ये देखिए ये लिखा हुआ है 12,372, तो 10,000, फिर 12 अलग, 2,000 अलग लिखेंगे, 300 अलग लिखेंगे, और 70 अलग और 2 अलग। ऐसे फ्रेंड्स इनका क्या करेंगे, यहाँ पे 2 उतार लेंगे। पता है इसका सबसे अच्छा रूल क्या होता है, हम पहले मतलब संख्या को उतारते जाएंगे और उसके नंबर पीछे की जितनी संख्याएं रह जाती हैं उनको गिनते जाएंगे और 0 लगाते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 उतार लिया, अब 2 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगा दिए। ऐसे क्या करेंगे 3 उतारेंगे, 3 के पीछे कितनी संख्या, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर 4 उतारेंगे, 4 के पीछे कितनी संख्या, 1, 2, तो 2 उतार, यहाँ पे 4 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे 3 है, 3 के पीछे 1 संख्या, 1 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही हम सारे का विस्तारित रूप लिख लेंगे, तो ये इसका हो जाएगा आपका 45,302। तो 40,000 अलग लिखेंगे, 5,000 अलग लिखेंगे, 300 अलग लिखेंगे, 2 अलग लिखेंगे। ऐसे ये हो जाएगा आपका 75,004, तो 75,000 अलग लिखेंगे, ये 72,000 अलग लिखेंगे, और 5,000 अलग लिखेंगे, और 4 अलग लिख देंगे। ऐसे ही हो जाएगा आपका 68,877, तो 60,000 अलग लिखेंगे, 8,000 अलग लिखेंगे, 800 अलग लिखेंगे, 70 अलग, 7 अलग। ऐसे इनको अलग अलग रूप, विस्तारित रूप का मतलब होता है हमारी ये संख्याएं हैं ये छोटे रूप में लिखेंगे, इनको बड़ा करके लिखना होता है, मतलब अलग अलग करके लिखना होता है। फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई विस्तारित
रूप को संख्या के रूप में लिखी। अब मतलब अभी तो हमें क्या था, संख्या दे रखी थी तो हमने इनका विस्तारित रूप लिखा था, अब हमें विस्तारित रूप को संख्याओं में लिखना होता है। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि मतलब हम ये देख लेते हैं, अभी हमने इनका विस्तारित रूप क्या बताया था मैंने, कि मतलब इनको जो है नंबर लगाते जाएंगे, उसके पीछे संख्या गिनते जाएंगे कितनी, फिर वैसे ही जीरो लिखते जाएंगे। अब ऐसे ही फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम उतारेंगे तो इसका पूरा लिखेंगे, ये उतार लेंगे नंबर, सिर्फ चार है, चार उतार देंगे, पाँच है, पाँच उतार दिया, वैसे ही हम सात है, सात उतार देंगे, फिर सात उतार देंगे, फिर दो उतार देंगे, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 45,772। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इसका देख लेंगे, इसका भी ऐसे ही ये उतारेंगे, फिर इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, और ये दो है तो दो ऐसे उतार देंगे, लास्ट में छः उतार देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स इसका देखेंगे, तीन लिखेंगे, फिर नौ लिखेंगे, फिर ये नौ उतार देंगे, फिर इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, फिर ये आठ उतार देंगे, फिर फ्रेंड्स ऐसे पाँच लिखेंगे, फिर यहाँ पे दो लिखेंगे, फिर आठ लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे। ये हमारी संख्याओं का विस्तारित रूप है, ये संख्याओं संख्या के रूप में लिख जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स आठ उतारेंगे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, इसमें से एक ज़ीरो, फिर आठ उतार देंगे। आई फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ चार पाँच सात सात दो, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये है। अब ऐसे यहाँ पे छः है तो छः उतार लिया, उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसमें से एक ज़ीरो ले लिया, इसमें से एक ज़ीरो ले लिया, और ये दो है ये वैसे उतार दिया दो, और फिर ये छः, देखिए फ्रेंड्स जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से ज़ीरो ले लिया। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीन है तीन वैसे उतार देंगे, नौ है नौ ऐसे उतार देंगे, नौ है ऐसे उतार देंगे, आठ इसमें कुछ नहीं है इसमें से एक ज़ीरो ले लेंगे, फिर आठ, ऐसे ही फ्रेंड्स हम सारे नंबर्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में छः और दो का स्थानीय मान निकालना, मतलब छः का और दो का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो जो है वो उसका स्थानीय मान निकालेंगे हम, तो यहाँ पे दो है तो दो उतार लेंगे ऐसे ही। अब इसके पीछे कितनी संख्या है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार जीरो लगा देंगे, तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 20,000। तो इसका दो का स्थानीय मान कितना 20,000 है। अब छः का क्या, छः का तो छः ही है क्योंकि और कोई संख्या नहीं है इसके पीछे, तो छः का स्थानीय मान छः ही है और दो का स्थानीय मान 20,000 है। ऐसे ही फ्रेंड्स इसका देखिए, यहाँ पर छः छः है जो इसका, तो ये छः उतार लेंगे ऐसे। अब इसके पीछे जो संख्याएं दे रखी हैं वो गिन लेंगे, एक दो तीन, तो तीन दे रखी, तो यहाँ पर ये तीनों लगा देंगे, तो ये 6,000 हो गया। अब ये दो का कितना हो जाएगा फ्रेंड, दो का दो लिखेंगे, दो के पीछे कितनी संख्या, एक दो, तो ये 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर छः देखेंगे तो छः उतारेंगे, इसके पीछे कितनी संख्या है, तो पहले का हो जाएगा छः का 6,000, और दो का जो हो जाएगा 200 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो छः है उसका हो जाएगा 60। इन दो तीनों का स्थानीय मान निकल गया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दो है इसका यहाँ पे दो उतारेंगे और इसके पीछे संख्या गिन लेंगे, एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीन ज़ीरो लगा देंगे, तो इसका कितना निकल के आया 2,000। ऐसे ही इसका लगा देंगे फ्रेंड्स, तो इसका हम लगाएंगे तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके पीछे संख्या लिखेंगे, एक दो, तो इसके दो हैं तो दो ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे 200। अब इस वाले का लिखेंगे तो यहाँ पे छः उतारेंगे, तो छः के पीछे कितनी संख्या है, एक, तो एक लगा लेंगे, तो इस वाले छः का कितना स्थानीय मान है 60। अब ये वाला जो छः वो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका कोई इसका तो स्थानीय मान छः ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स समझ में आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला जो छः है, ये छः जो है ऐसे उतारेंगे, उसके पीछे संख्या गिन लेंगे, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार जीरो लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान कितना है 60,000। अब इसका देखेंगे, ये वाले दो का स्थानीय मान, तो ये दो जब लिखेंगे तो एक दो, तो इसके पीछे कितनी संख्या लगेंगे, दो, तो ये इसका स्थानीय मान कितना है 2 है। अब ये वाले दो को ऐसे उतार देंगे क्योंकि इसका स्थानीय मान 2 ही है, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, तो यानी 6 का स्थानीय मान 60,000, 2 का स्थानीय मान 200, और ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हम दूसरा देख लेते हैं, ये जो 8 है, सॉरी ये जो 2 है, इसका स्थानीय मान कितना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब पीछे जो संख्या दे रखी है वो गिन लेंगे, एक दो तीन, तो ये 3 है जो, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2,000। अब ये वाले 6 का निकालेंगे, तो ये वाला 6 ऐसे उतारेंगे, इसके पीछे कितनी संख्या है 1, तो इस वाले 2 का स्थानीय मान 2,000 आए, 6 का स्थानीय मान 60 आए। फ्रेंड्स समझ में आ गया स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स इसके आगे का क्वेश्चन अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।